हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिनाउंड पोएम, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, और इसका एक दूसरा और ज़्यादा फेमस टाइटल है द डैफोडिल्स। लेकिन हम पहले बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश के एक रोमांटिक पोइट हैं जिन्होंने एस टी कॉलरिज एक और पोइट के साथ मिलकर इंग्लैंड में इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को लॉन्च करने में हेल्प की, और इन दोनों की एक जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलड्स जो कि 1798 में पब्लिश हुई, और ऐसा माना जाता है इसकी पब्लिकेशन का ईयर ही रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत का ईयर है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो कॉकरमाउथ इंग्लैंड में पैदा हुए और 1843 में वो इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट बने। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी पोएम्स हमें दी, जिनमें से द प्रिल्यूड एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम और है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत रिपीट होती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं द डैफोडिल्स की, जो कि उनके करियर का एक माइलस्टोन है, और मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कोर्स ऐसा होगा जहाँ पे द डैफोडिल्स प्रिस्क्राइब्ड नहीं होगी। तो चलिए हम द डैफोडिल्स पढ़ते हैं। दोस्तों, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये पोएम 1802 में पोइट ने लिखी, और इस पोएम का जो टाइटल है वो पोइट की लोनलीनेस, उसके अकेलेपन के बारे में हमें बताता है जो कि उसके ब्रदर की डेथ के बाद वो फेस कर रहा था। और ये पोएम बहुत ही अच्छे से वर्ड्सवर्थ की जो फिलॉसफी है पोइट्री की उसको एक्सप्लेन करती है, जिसमें वो कहता है कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस एंड इट टेक्स इट्स रूट फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो मतलब कि एक बार जब उसने वो गोल्डन डैफोडिल्स हज़ारों की तादाद में देखे तो उसके बाद वो उसके लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय बन जाता है, वो उसकी मेमोरी में ऐड हो जाता है, और जब भी वो चाहे उस मेमोरी को रिविजिट कर सकता है और उसे उतनी ही खुशी का अनुभव होता है जितनी भी बार वो उन मेमोरीज़ के बारे में या उन डैफोडिल्स के बारे में सोचता है। तो चलिए मैं इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बताती हूँ। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. इसमें पोइट हमें एक अपना एक्सपीरियंस बताता है कि एक बार वो एक क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह अकेला कहीं से गुजर रहा था या घूम रहा था, और वो बिल्कुल उसी तरह से घूम रहा था जैसे एक बादल वैलीज़ के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर फ्लोट करता है। और इसी तरह से घूमते हुए एकदम से उसने अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मतलब गोल्डन डैफोडिल्स के फ्लावर्स की एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। बहुत सारे, यानी कि इसका मतलब है कि बहुत सारे नंबर में उसने गोल्डन डैफोडिल्स को वहाँ पे देखा, और वो उसको होस्ट बताता है, वो मेज़बान बताता है, जैसे वो जो डैफोडिल्स थे वो मेज़बान हैं और हमारा पोइट उनका मेहमान है और वहाँ पे उसकी मेज़बानी करने को वो खड़े हैं। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज़, और वो लेक के किनारे पर उगे हुए थे और ट्रीज़ के नीचे, और वो ब्रीज़ यानी कि हवा में, जो हवा चल रही थी उसमें फ्लटर कर रहे थे, डांस कर रहे थे, हिल रहे थे, और ऐसा लग रहा था हिलते हुए कि जैसे वो डांस कर रहे हों, सब के सब इकट्ठे डांस कर रहे हों। तो यहाँ पे हमें पोइट की जो रोमांटिक क्वालिटी है पिक्चरस्कनेस की, कि हमारे सामने वो एकदम से बहुत सारी पिक्चर देता है, तो जब वो सीन हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आँखों के सामने एक मूवी की तरह ये चल रहा है। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance.
अब वो और जानकारी देता है हमें डैफोडिल्स के बारे में कि वो जिस तरह से स्टार्स मिल्की वे पे, हमारी आकाश गंगा जो है मिल्की वे में शाइन करते हैं कंटिन्यूअस बिना रुके, उनकी जो नंबर है उनका जो, वो जिस तरह से वो वहाँ पे फैले हुए हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे मिल्की वे में स्टार्स ट्विंकल करते हैं, सितारे चमकते हैं। और वो मार्जिन ऑफ द बे, बे के साथ छोटी नदी के साथ वो किनारे पर वो नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में वो स्ट्रेच्ड है, कभी ना ख़त्म होने वाली तरह से वो हमें दिखाई दे रहे हैं। 10,000 saw I at a glance, कि एक बार नज़र मारने पर ही वो हमें 10,000 की गिनती में नज़र आते हैं। मतलब ये एक पोइटिक डिवाइस है कि जिसमें वो एक नंबर लेके, बहुत बड़ा नंबर लेके बता रहा है कि जो डैफोडिल्स हैं उसका नंबर, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और वो कह रहा है कि एक झलक में ही वो हमें 10,000 नज़र आते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और वो सारे के सारे बहुत खुशी से झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और उनका सिर जो फ्लावर्स हैं, यानी कि वो एक पूरी उनकी शाखा है उसके ऊपर फ्लावर है, तो वो जो फ्लावर है वो खुशी से झूम रहा है और अपने हेड को, अपने सिर को हिला रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये सीन कि मिल्की वे में जिस तरह से कभी ना ख़त्म होने वाली संख्या में सितारे चमक रहे होते हैं, उसी तरह पोइट को नदी के किनारे पर कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में डैफोडिल्स के फूल नज़र आते हैं, और एक बार देखने पर ही वो 10,000 के करीब उसे दिखाई देते हैं, जो कि सब इकट्ठे मस्ती में झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। आगे चलते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, द पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंट कंपनी, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। जो वेव्स है उसके किनारे पर, क्योंकि वो बे के किनारे पर है, नदी के किनारे पर है, और नदी की जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो भी डांस कर रही हैं, तो एक और हमें इमेज मिलती है। लेकिन जो हमारे डैफोडिल्स हैं वो वेव से भी ज़्यादा खुशी में डांस कर रहे हैं, वेव्स भी डांस कर रही हैं, लहरें भी नाच रही हैं, लेकिन डैफोडिल्स उनसे भी ज़्यादा खुशी में नाच रहे दिखाई देते हैं। अब पोइट, जो एक पोइट है, ये सब नज़ारा देख के वो सिर्फ खुशी हो, मतलब खुश हो सकता है। द पोइट कुड नॉट बट बी गे, वो सिर्फ खुश हो सकता है, क्योंकि उसके लिए इससे बेहतरीन नज़ारा और कोई नहीं हो सकता। इतनी खुशी देने वाली कंपनी, इतनी जोकंड कंपनी, इतनी जॉयफुल कंपनी उसे और कहाँ मिलेगी। तो पोइट कहता है, मैं उसको देखता गया और देखता गया, बट लिटिल थॉट, सोचा कुछ नहीं, बिकॉज एट दैट वेरी टाइम ऐसा लग रहा था उसे जैसे वो उस सारी नेचर की ब्यूटी को अपने अंदर समा लेना चाहता हो, सोच कुछ नहीं रहा है वो। और ये देखने से, जो उसने अपने अंदर खुशी भर ली वो नेचर के कांटेक्ट में आने से, उसे लगता है कि इतनी खुशी और दुनिया की कोई भी चीज़ उसे नहीं दे सकती है, क्योंकि हम सबको पता है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर लवर है, तो नेचर उसके लिए भगवान की तरह है, उसका दोस्त, उसका गाइड, उसका फिलोसोफर, उसके लिए सब कुछ नेचर ही है। और इतना खूबसूरत जो उसे नेचर की साइट्स और साउंड मिले हैं, तो उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे पल बहुत कम आते हैं। आगे चलते हैं। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाय इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद डैफोडिल्स। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब ऑफन, कई बार, जब भी। पोइट क्या है, अब वो वहाँ पे आ गया है जब वो ये सारा कुछ सीन सोच रहा है दोबारा, ये उस वक्त से हम प्रेजेंट में वापस आ गए हैं। और वो कह रहा है कि अब तक भी बहुत बार जब भी मैं अपने काउच पे आराम करता हूँ, या मैं कभी खाली बैठा होता हूँ, या मैं कभी दुखी मूड में होता हूँ, पेंसिव होता हूँ, गंभीर मूड में बैठा होता हूँ, तो वही सारे डैफोडिल्स और वही सारा सीन
मेरी इनवर्ड आई में फ्लैश होता है, यानी कि फिर से वो मेरे दिमाग में आ जाता है। और यही तो सॉलिट्यूड, अकेले रहने का एक बहुत बड़ा ब्लिस है, एक बड़ा खूबसूरत मोमेंट है, एक बख्श है खुले अकेले रहने की। और जब भी उसको वो सारा डैफोडिल्स वाला सीन याद आता है तो मेरा हार्ट जो है वो खुशी से भर जाता है और वो उन्हीं डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। और यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। और पोइट के थ्रू हमें ये पता लगता है कि पोइट कहना चाहता है कि जो एक पल की खुशी है वो उसी पल की खुशी नहीं है, वो आपके लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट बन जाता है। हम जब भी फ्यूचर में कभी भी उस खुशी का आनंद लेना चाहते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद करें, तो वो हमें जब जब भी याद करते हैं तब तब वो हमें खुशी देती है और हमारा मन फिर से खुशी से भर जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कीजिए, अर्जुन एजुकेशन पे। और ये वीडियो हमें हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो इसे ज़रूर बताइए, हमें कमेंट करिए और ये भी बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।